अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, चाहे आपका वो फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड मोर जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और हर किसी का एक डाउट होता है आखिर में भाई हम इन प्लेटफॉर्म से कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं हर एक महीने में। देखिए मैं यहाँ पे साल भर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 4 महीने 10 महीने, एक महीने में कितना कमा सकते हैं। बिकॉज अगर एक महीने का आ गया तो पर्टिकुलर एक दिन का रेवेन्यू आ जाएगा कि अगर हम एक दिन में इतना रेवेन्यू कमा सकते हैं तो महीने में इतना, साल में इतना, 10 दिन में इतना, 15 दिन में इतना। तो ये तब पता चलता है जब आपके पास में डेटा होता है, और बिना डेटा के तो भाई कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जो दिखता है उसी के बिहाफ पे समझ में आता है कि एग्जैक्टली अगर जो आपका कंटेंट है, कंटेंट यानी आपके वीडियोस जो है, वीडियोस में दम है, सो डेफिनेटली आप जो है वो सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो आज बेसिकली एक मेरे पास पेज है और उस पेज का पूरा आपको डेटा दिखाऊंगा कि कैसे जो है एवरी डे, अगर मैं एक आपको रफली एक आइडिया दूँ तो एक आपको मैं ऑलमोस्ट एक छोटा सा अगर मैं आपको एक डेटा बताऊँ तो एवरी डे अभी कितना जनरेट हो रहा है उस पेज से। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो करीब करीब अगर मैं बात करूं तो यहां पे करीब करीब 50,000 रुपये डेली मिनिमम, तो यानी कि 50,000 रुपये कमाए जा सकते हैं एवरी डे, वो भी वीडियोस डाल के। लेट्स सी, देखते हैं पहले सब कुछ पूरी डिटेल्स में समझते हैं, और ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए कि क्या सही में 50,000 रुपये कमाए जा सकते हैं। महीने की तो बात ही नहीं कर रहे हम, सीधा एवरी डे की बात कर रहा हूँ, पर डे का डेटा। देखिए जैसा आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आपको हाइड मिलेंगी बिकॉज सिक्योरिटी पर्पस है, तो अगर ये हाइड नहीं होगा तो भैया सब लोग बस लग जाएंगे पीछे कैसे कैसे कौन सा कहाँ किस तरीके से, तो इसलिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर हाइड मिलेगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा अगर यहाँ से हम राइट देखिए, अब आप देखोगे यहाँ पे आपके पास ये जो आपको यहाँ पे शीट दिख रही है, जो आपको यहाँ पे ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे जो डेटा है अभी क्या दिख रहा है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट जो आपका रेवेन्यू है वो है $3,203 का, और कितने दिन का है, मात्र 7 डेज का ये रेवेन्यू है। कैसे दिख रहा है देखो, यहाँ पे लास्ट 7 डेज का जो रेवेन्यू है 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक का रेवेन्यू कितना है, $3,203 का। तो यानी चलो ये तो $3,203 हो गया, हम एक काम करते हैं अभी करंट को छोड़ते हैं, हम प्रीवियस में चलते हैं। तो यहाँ से मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं यहाँ से 1 अप्रैल से लेकर, और यहाँ से हम लेते हैं डेटा मान लीजिए कि 30 अप्रैल तक का, तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का डेटा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या रेवेन्यू आ गई, $17,687.71 ये रुपीज़ की बात नहीं है, ये डॉलर्स की बात है, $17,687.71 आपका मात्र 1 मंथ के अंदर। और अगर पर्टिकुलर इसको अगर हम यहाँ से डॉलर टू NRI करें, अगर मान लीजिए 17,687.17 था, तो आप यहाँ पे एक कैलकुलेशन देखेंगे कितना हो गया, 14 लाख, ये देखिए भैया 14,46,000 ऑलमोस्ट। तो आप यहाँ पे ये डेटा देख सकते हो कि जो कि अगर इतना बड़ा रेवेन्यू अगर जनरेट हो रहा है, तो 14 लाख अगर आप इसको मान लीजिए, मैं इतना ही डेटा लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ से एक कैलकुलेटर निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से एक कैलकुलेटर लेते हैं यहाँ से, और ये जो डेटा है कितना है यहाँ पर 14 लाख इतना, और इसको अगर हम 30 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर आ गया आपका 48,201 रुपये, यानी रफली अगर बात करें तो राउंड फिगर में 50,000 रुपये एवरी डे। तो भाई ये वो डेटा है जिस डेटा की मैं आपको शुरुआत में ही बात किया कि जी हाँ कमाया जा सकता है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपका RPM देखोगे, यहाँ पे CPM देख सकते हो, प्लस मोनेटाइजेशन का जो 1 मिनट व्यूज़ काउंट है वो देख सकते हो कितना ज़्यादा है भाई, कई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़। तो भैया इस तरीके से आप देख पाओगे कितना ज़्यादा यहाँ पर मिनट व्यूज़ आए, तो ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब ये तो हो गया एक महीने का, हम एक काम करते हैं 3 महीने का डेटा देखते हैं, ये हो गया अप्रैल, मार्च और फरवरी, ठीक है। फरवरी से लेकर अगर हम यहाँ पे टिल डेट तक देखते हैं, चलो यहाँ पे टिल डेट तक देखते हैं, यानी कि मई तक देखते हैं, मई में से 3 दिन हुए, तो ये हो गए आपके $37,000, यानी कि $37,000 मात्र जो भी टाइम पीरियड ये रहा है। और 7 डेज़ का डेटा तो आपको मैंने दिखाई दिया, अगर लास्ट आपका 7 डेज़ का डेटा दिखाया जाए तो यहाँ पे 3,200 समथिंग, प्लस
प्लस अगर आपका लास्ट 28 डेज़ का दिखाया जाए तो ये आपका रेवेन्यू। अगर आपको यहाँ पे 90 डेज़ का रेवेन्यू दिखाऊँ तो ये आपका $37,000। और अगर हम यहाँ पे अब यार ये कुछ लग नहीं रहा कुछ ये जैसे सपनों जैसा कि भाई 37 लगभग बात करते हो 25-26 लाख रुपए के राउंड फिगर में। इतना ही नहीं अगर हम इसको बात करें अगर लाइक दिस वीक दिस मंथ दिस ईयर की बात करते हैं तो दिस ईयर में इतने हुए क्योंकि जनवरी से हमने चेक किया था। और पूरी लाइफ टाइम की अगर रेवेन्यूज अगर हम बात करें तो अभी डेटा फैच नहीं हो रहा है, जनरेट होते हैं, ऐसा नहीं कि रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी प्रॉपर वे में और एक सही कंटेंट बनाएंगे, ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप अर्न कर सकते हो। और देखो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये एक लाइक डुप्लीकेट कंटेंट होगा, ऐसे ही वीडियोस होगा, नहीं, A to Z ओरिजिनल कंटेंट है, सब कुछ खुद का बनाया हुआ कंटेंट है जिसके बिहाफ पे ये रेवेन्यू जनरेट हो रही है। और डुप्लीकेट की बात करते तो उसके ऊपर भाई 50,000 लाखों डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो बस क्या काम करना है, रेगुलर आपको कंटेंट पोस्ट करना है, रेगुलरिटी आपको बहुत बना के रखना। अगर आपने बीच में ब्रेक किया, लोग क्या करते हैं काम नहीं होता, नहीं व्यूज़ आते कुछ भी, तो वीडियोस को ड्रॉप कर देते हैं, फिर जगते हैं अरे यार चल गया लाओ डालना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं करके फ़ायदा है भाई। महीने भर में अगर आपने 30 वीडियो डाला बहुत अच्छी बात, महीने भर में आपने सिर्फ 2 वीडियो डालना कोनो फ़ायदा नहीं है। क्योंकि फेसबुक का जो AI है, जो उसका एल्गोरिथम है, वो पहचानता है कि भाई कौन हमारे लिए हमारा मजदूर है। सीधी सी बात करें इसको मजदूरी बोलेंगे क्योंकि हम उनके लिए काम कर रहे हैं बेसिकली, और उसके बदले हमारे को पैसा मिलता है। तो इसलिए भैया आप डिसाइड कर लो कि आप जो है किस तरीके से और कितना कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हो और कितना ओरिजिनलिटी वे में। बाकी डुप्लीकेट कुछ समय का है, कुछ समय का डुप्लीकेट है भैया, और कुछ पैसे कमा लोगे बट लॉन्ग टर्म उस पर अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते और बाद में फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लोग इतनी एफर्ट्स लगाते हैं, इतनी मेहनत करके वो जो चैनल खड़ा करते हैं, पेज खड़ा करते हैं, फिर जो है जब वो सस्पेंड होता है, टर्मिनेट होता है, फिर भागते कि भाई मेरा ये बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं ऐसा हो गया, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। देखो अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है उस पर भी काम करें, अगर आपको लगता है कि आपके पास समय बचता है सो यू कैन डू, आप डुप्लीकेट कंटेंट पे भी जाके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आई विल ट्राई कि इसके ऊपर कोई लाइव वीडियो लेकर आऊँ, मैं बहुत जल्दी आप लोगों को लेकर आऊँगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे हम इस तरीके से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बट मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देता, ना ही मेरा कोई पर्सनली इसको सजेशन है कि आप ऐसा काम करें। मेरा हमेशा सजेशन है आप खुद का वीडियो क्रिएट करें, लंबे समय तक हमेशा पैसे कमाएंगे। तो आई होप गाइस कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेट होंगे। और भैया अगर दिल में लग गई है आग तो शुरू हो जाओ, बनाओ वीडियो, कमाओ पैसे और ज़बरदस्त कंटेंट आप अपलोड करते रहो। कोई सुझाव, कोई कंसल्टेंट, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है सो यू कैन विजिट माई ऑफिशियल वेबसाइट www.techrajman.com और साथ ही मेरी टीम से भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट और एक नॉलेजबल कंटेंट के साथ, तब तक गाइस बाय, टेक केयर।